सोचने लगे कि भाई बीजेपी के लोग आपको अगर गिफ्ट दे तो आप क्या मांगिए। तो हमने कहा गिफ्ट तो नहीं, कम से कम अगर गिफ्ट ही के बहाने अगर देना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का अधिकारी दे दो। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। खबर पटना से, जहां पर नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ने बीजेपी से अपने जन्मदिन पर एक खास तोहफा मांगा है। दरअसल तेजस्वी यादव का आज 33वां जन्मदिन है, इस मौके पर उन्हें बधाई दी जा रही है। तेजस्वी यादव ने मीडिया के एक सवाल का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बीजेपी वालों से कुछ जन्मदिन के मौके पर मांगना हो तो वो क्या मांगेंगे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उनके जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर बीजेपी की सरकार दे, ताकि जो है बिहार को विकसित बिहार बनाने का जो सपना है वो पूरा हो सके। तेजस्वी यादव ने किस तरीके से अनोखे अंदाज में अपने जन्मदिन को लेकर के बीजेपी से श्री नीतीश कुमार के सामने अपने लिए गिफ्ट मांगा है, छोड़ जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। आज मेरा जन्मदिन है और हम आ रहे थे, तो आज सुबह मीडिया वाले सवाल पूछने लगे कि भाई बीजेपी के लोग आपको अगर गिफ्ट दे तो आप क्या मांगिए। तो हमने कहा गिफ्ट तो नहीं, कम से कम अगर गिफ्ट ही के बहाने अगर देना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का अधिकारी दे दो। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई, और हम भी नौजवान हैं और आप लोग बिहार की जनता ने आज इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया है, अगर आज हम यहाँ उप मुख्यमंत्री के हैसियत से खड़े हैं तो इसमें बिहार की जनता का, खासतौर पे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। और बिहार को अगर आप समझिए, कम सोच होने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट में बिहार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है, तो कितनी बड़ी बात। जीडीपी की बात हो, हर एक विषय पे अगर देखा जाए तो कितना बढ़िया जो है नेतृत्व में इनके काम चल रहा है। और हम लोग मिल करके इनके नेतृत्व में किसी को जो है असुविधा ना हो, कठिनाई ना हो, समस्या ना हो, उस चीजों पे हम लोग लगातार जो है ध्यान देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो बिहार का युवा है प्रतिभाशाली है, किसी भी राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए तो बिहार के लोग जितने मेहनती होते हैं उतना मेहनत और कोई करने वाला लोग नहीं है। और कहीं भी आप चले जाइए, बिहार के लोग मिलते हैं हर विभागों में, हर जगह, हर सेक्टर में जो है काम कर रहे। लेकिन हम लोगों का सपना है कि बिहार को इतना बेहतर बनाया जाए ताकि बिहार के लोगों को बाहर काम करने की जरूरत ना पड़े, बिहार में ही लोगों को रोजगार मिले, लोगों का इलाज हो, लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं बने जहां उनका हायर एजुकेशन हो, वो पढ़ सके, ताकि जो बिहार का रेवेन्यू जो है वो बाहर ना जाए, बिहार में ही जो है रेवेन्यू जो है हम वापस लेकर के आए। इस दिशा में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं।